कैपिटल गेन्स या फिर प्रॉफिट्स दो तरीके के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इक्विटी यानी कि जो शेयर मार्केट है या फिर स्टॉक मार्केट है उसके बारे में, और या फिर अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करते हो तो कैपिटल गेन टैक्स को आप कैसे सेव कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के जरिए दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। तो STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का मतलब ये है कि अगर आप एक साल के अंदर ही अंदर किसी भी शेयर को या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो और आपको प्रॉफिट होता है, तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसपे आपको 20% का टैक्स पे करना होगा डायरेक्टली, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो। अब दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपकी टोटल इनकम पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख या फिर उससे कम है, यानी कि आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर बिलोंग करते हो, तो आप इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट कर सकते हो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को कंसिडर करके। तो अगर टोटल इनकम आपकी पूरे साल में 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो तो 20% के हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में टैक्स पे करना ही होगा। अब दूसरी तरफ जो आता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आपने 12 महीने या फिर एक साल के बाद जो भी शेयर्स है उनको होल्ड करके बेचा या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके बेचा, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपको 1.25 लाख रुपीस तक का जो भी प्रॉफिट होता है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, आपको उस पे कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों गवर्नमेंट हमको ये रिलीफ देती है कि पहले 1.25 लाख का जो भी प्रॉफिट होगा पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर हम शेयर्स को या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को बेचते हैं तो हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1.25 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उस पे आपको 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों इसको भी आप कैसे बचा सकते हो हम एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे प्रॉफिट्स का एग्जांपल लिया हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से। तो पहले 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख पे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप शेयर्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को एक साल के होल्डिंग पीरियड के बाद बेचते हो। तो यहाँ पे 1 लाख और 1.25 लाख का जो भी टोटल प्रॉफिट है उस पे जो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो जीरो होगा, क्योंकि पहले 1.25 लाख पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और टैक्स रेट जो है वो 12.5% का सेट किया हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, और इसी के हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स जीरो होता है। लेकिन जैसे ही आपका जो टोटल प्रॉफिट है साल में वो 1.25 लाख के ऊपर चला गया, समझो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो ऊपर का जो 25,000 रुपए है उस अमाउंट पे आपको 12.5% का टैक्स पे करना होगा, जो कि होगा 3,125 रुपीस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इसको भी हम क्विकली अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे हम 25,000 रुपीस का प्रॉफिट लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 12.5% के टैक्स रेट के हिसाब से जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट है, और फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,125 रुपीस का आपका इनकम टैक्स होगा इस पर्टिकुलर टैक्स रेट के हिसाब से और ये प्रॉफिट के हिसाब से। अब दोस्तों इसमें हमने 4% का सेस इंक्लूड नहीं किया है, तो आप उसको भी ऐड करके चेक कर सकते हो कि आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कितना होता है। इसके अलावा अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीस होगा तो उसमें से सिर्फ 75,000 रुपीस पे आपको टैक्स पे करना होगा, जो कि इतना अमाउंट होगा, और 2.5 लाख या फिर 3 लाख का प्रॉफिट अगर आप बना लेते हो एक साल में तो आपको इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये टैक्स को कैसे बचा सकते हो, तो यहाँ पे सीधा सा फंडा ये है कि हमें जो 1.25 लाख रुपीस की लिमिट दी गई है जिसपे हमें कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही अमाउंट हमें रिडीम करना चाहिए, यानी कि उसी अमाउंट के यूनिट्स हमें बेचने चाहिए शेयर्स के या फिर म्यूचुअल फंड्स के, ताकि जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 1.25 लाख के अंदर हो एक फाइनेंशियल ईयर में। तो समझो अगर आपका 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जा रहा है सारे जो म्यूचुअल फंड्स है या फिर शेयर्स के यूनिट्स है उनको
बेचने के बाद, तो आपको सिर्फ उन्हीं यूनिट्स को बेचना चाहिए जिनका प्रॉफिट जो है वो आपको सिर्फ 1.25 लाख या फिर उससे अंदर का प्रॉफिट देगा, और इस तरीके से आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा वो जीरो रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर आपने SIP शुरू किया है और यहाँ पे हमने मंथ 1 और मंथ 2 का जो लेबल है उसको लिया हुआ है, और फिर इसको हम ड्रैग कर लेते हैं मंथ 24 तक, तो समझो आपने यहाँ पे 2 साल तक का जो SIP है उसको कंटिन्यू रखा, तो आपका जो 24th मंथ है यहाँ पे उसमें आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से जो भी आपने मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक SIP को कंटिन्यू रखा है, सिर्फ वही यूनिट्स एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि मंथ 13 से लेके 24 तक के जो भी यूनिट्स है वो अभी भी शॉर्ट टर्म के पीरियड में है, क्योंकि इनका जो है 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे समझो, अगर आपका मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक आपके पास कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स हैं शेयर्स के या फिर म्यूचुअल फंड्स के, जिनको बेचने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट होता है 1.5 लाख रुपए, तो आपको वो सारे यूनिट्स को नहीं बेचना चाहिए उस टाइम के लिए। लेकिन आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको मंथ 1 से लेके मंथ 10 तक देखना पड़ेगा कि क्या ये सारे यूनिट्स बेचने के बाद आपका टोटल प्रॉफिट 1.25 लाख या फिर 1.25 लाख के अंदर होता है। तो अगर उतने यूनिट्स बेचने के बाद 1.25 लाख के अंदर का प्रॉफिट हो रहा है, तो सिर्फ उतने ही यूनिट्स आपको बेचने चाहिए आज की डेट में, और अगले फाइनेंशियल ईयर में जो मंथ 11 और 12 को खरीदे थे या फिर आगे आने वाले महीने हैं जिनके जो 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, आप उनको बेच सकते हो, ताकि आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो 1.25 लाख या फिर उससे अंदर ही है, ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों अगर उससे ऊपर जाता है तो जो भी डिफरेंस अमाउंट है उस पे आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीटली आपके गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपका जो अमाउंट है वो बहुत छोटा है 1.25 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है, तो आप उसको टैक्स पे करके भी रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहते हो, जहाँ पे आपका 10 साल या फिर 15 साल के गोल्स हैं, तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो जिसे हम कहते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग, जिसकी मदद से आप अपना जो इनकम टैक्स है वो सेव कर सकते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से, और जो भी प्रॉफिट होता है आपको, जो भी यूनिट्स आपने यहाँ पे बेचे हैं, आप वापस से उस प्रॉफिट को यहाँ पे SIP या फिर लमसम के द्वारा री इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आपको उन पैसों की उस टाइम के लिए जरूरत नहीं है। और दोस्तों इस तरीके से आपको हर साल आपका जो भी कैपिटल गेन्स होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से, उसको आपको सेव करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले सालों में आपका जो टैक्सेबल प्रॉफिट्स है उसका जो डिफरेंस है वो कम हो जाए, ताकि आपको इकट्ठा जो लास्ट वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें ज्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो टैक्स है वो पे न करना पड़े। तो इस तरीके से आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो है उसको बचा सकते हो। हर फाइनेंशियल ईयर में जो आपको लिमिट दी गई है आपको उसको यूज करना चाहिए, ताकि जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसको आप रिड्यूस कर रहे हो हर साल, ताकि जब भी आपका जो गोल है वो करीब आता है और आप रिडीम करते हो उन यूनिट्स को, तो पूरा प्रॉफिट पे आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। अब दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होगा, अगर आपकी इनकम और कोई नहीं है या फिर आप किसी टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स को देखे हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।